हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल, इट्स मी जयेश निगोस्कर हियर। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एकदम ब्रांड न्यू बाइक का, विच इज़ यामाहा FZX। इस वीडियो में मैं आपको बाइक का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, जो कि कवर करेगा बाइक की प्राइस को, बाइक की माइलेज को, टॉप स्पीड को, स्पेसिफिकेशंस को, और एक डिटेल्ड वॉक अराउंड जो कि अपने स्टाइल में आपको मिलता ही है चैनल पर। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट ये है कि यार इस वीडियो को एंड तक देखना, बीच में से मत छोड़ देना, क्योंकि उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही प्रीशियस होता है। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर या इंदौर के आसपास से कहीं से हैं और यामाहा का कोई सा भी प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं, तो आप एरन यामाहा पर विजिट कर सकते हैं। शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो सबसे पहले अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो इस बाइक में हमें दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, एक ब्लूटूथ वाला और एक विदाउट ब्लूटूथ। नॉन ब्लूटूथ वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 1,17,000 और ब्लूटूथ वेरिएंट की प्राइस है 1,20,000। तो 3,000 रुपये का इसमें प्राइस गैप हमें देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बाइक के माइलेज की बात करें, तो बाइक का माइलेज ऑलमोस्ट FZ जितना सिमिलर है, जो कि आपको 40-45 KMPL तक आराम से इजीली मिल जाएगा। और अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें, तो अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स की इसमें हमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी। बाइक इंजन और चेसिस से सेम FZ ही है, सिर्फ बॉडी में चेंजेस किए गए हैं। थोड़ा सा बाइक को मॉडर्न और रेट्रो लुक का फ्यूजन देने की कोशिश की है यामाहा ने। ब्लॉक पैटर्न टायर के साथ ये बाइक आती है, जिससे कि थोड़ा सा एडवेंचर और ट्यूरिंग बाइक का फील दे पाए कस्टमर्स को। तो दोस्तों, अब अगर बात करें बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर आपको बेसिक से रियर व्यू में आपको हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि DRLs और प्रोजेक्टर का यूज़ करा गया है। DRL दो इंटेंसिटी पर चलती है, हाई और लो। ये अभी हाई इंटेंसिटी पे मैंने लाइट कर दी है, आप कुछ देख सकते हैं, राउंड में कुछ रेट्रो फील आपको प्रोवाइड करती है इस तरीके से। और बीच में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। मैं इसे अभी आपको चला के बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसी प्रोजेक्टर में इंटीग्रेटेड आपको हाई बीम और लो बीम मिल जाएगा, और ये काफ़ी सफिशियंट रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टर काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अब यहाँ पर आप बात करें तो इंडिकेटर्स, आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर नंबर प्लेट माउंट करने की जगह मिल जाती है। और नीचे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको मेटल की कैसिंग देखने को मिल जाती है, और मडगार्ड भी इसमें मेटल का यूज़ करा गया है, तो काफ़ी एक रिजिडनेस मिल जाती है बाइक को। शॉकअप्स की बात करें, तो इसमें आपको गेटर कवर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड सेंट्रिक बाइक है, थोड़ा ट्यूरिंग बेस्ड है, तो इसमें शॉकअप्स में आपके धूल ना घुसे और वो उसको ख़राब ना करे, इसलिए कवर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ब्रेकिंग काफ़ी कमाल की है बाइक की। सेम हमें FZ वाले ब्रेक्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, बट हमें इसमें सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, आपको टायर मिल रहे हैं MRF के, इस पर आपको ब्लू कलर की टेपिंग करी गई है, और पियानो ब्लैक कलर के रिम्स मिलते हैं। टायर साइज़ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो 100 सेक्शन का हमें इसमें फ्रंट टायर देखने को मिलता है। अब अगर बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 10 लीटर्स का हमें इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, और टैंक पर FZX की ब्रांडिंग की गई है। और ये टैंक रियल लाइफ में देखने में काफ़ी बड़ा लगता है, आपको वीडियो में इतना समझ नहीं आएगा। और बीच में इसमें ब्लैक एलिमेंट का यूज़ करा गया है, थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीच में फ्यूल लीड है, जिससे आप फ्यूल भरेंगे। यहाँ पर आपको की माउंट करने की स्पेस टैंक में मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर हो जाता है। और बाइक को थोड़ा सा मॉडर्न प्लस रेट्रो का फ्यूजन डाला गया है, जो कि काफ़ी अच्छा आजकल ट्रेंडिंग में है। कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के यूज़ करे गए हैं, जिससे कि बाइक में थोड़ा सा बल्क आए। साइड कॉल पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो अब अगर बात करें बाइक के इंजन के बारे में, तो इंजन इसमें हमें सेम FZ वाला ही मिलता है, 149 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 2-वॉल्ट सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, और जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की 7,250 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.3 Nm का 5,500 RPM पर। वहीं नीचे की साइड आपको इंजन क्रैश गार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि मेटल का है, काफ़ी स्ट्रांग और रिजिड है, और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक की। अब अगर बात करें फुटपैक्स वगैरह की, तो इसको भी मेटल के रखे गए हैं, और काफ़ी अच्छे रिजिड क्वालिटी के यूज़ करे गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड टाइप पे है। कुछ इस तरीके का आपको साइलेंसर इसमें देखने को मिलता है, और इसका साउंड मैं आपको सुनूंगा वीडियो के एंड में। तो अब अगर बात करें बाइक की सीट के बारे में, तो हमें काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेस वाली सीट इसमें देखने को मिल जाती है। राइडर और पिलियन दोनों आराम से बैठ सकते हैं इसमें कंफर्टेबली। तो अब अगर बात करें रियर डिस्क ब्रेक की, तो आपको इसमें 220 mm का रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, विद सिंगल चैनल ABS। बाइक में सिंगल चैनल ABS ही आता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें, तो रियर में आपको 140 सेक्शन का टायर मिलता है, ब्लॉक पैटर्न में, जो कि ऑफ रोड बेस्ड है। MRF रेव्स की तरफ से टायर्स आते हैं, और आपको देख सकते हैं ब्लू फिनिशिंग इस पर भी की गई है, और पियानो ब्लैक का रिम्स मिलते हैं। पीछे की साइड आपको टायर हगर देखने को मिलता है, सेम R15 वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रोस सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि बाइक को काफ़ी एक स्टेबिलिटी देता है। अब अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें, तो कुछ इस तरीके से आपको टेल लैम्प वगैरह देखने को मिल जाते हैं,
और आप देख सकते हैं कि ग्रैब्रेल को काफ़ी बेसिक रखा गया है ट्यूरिंग पर्पस के लिए। अब यहाँ पे आप बात करते हो LED टेल लैंप्स आपको देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं और उसी के नीचे आपको रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट माउंट करने की जगह वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं रिफ्लेक्टर BS6 नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलते हैं बाइक में। अब अगर बात करें बाइक के स्विंग आर्म वगैरह की तो आपको इसमें बॉक्स सेक्शन का स्विंग आर्म देखने को मिलता है और चेन सिस्टम ओपन है तो आपको हर 500-600 किलोमीटर पर चेन को क्लीन और ल्यूब करवाना पड़ेगा क्योंकि ये गंदी हो जाएगी। वैसे इसे पैक भी दे सकते थे चेन को, वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता था, बट इससे थोड़ा सा लुक्स इंप्रूव होता है। और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलते हैं और ब्लॉक पैटर्न टायर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक बार चेकआउट भी करा दिया। अब यहाँ पे आपको ये भी डिसेंट क्वालिटी के मिलते हैं फुटपैक्स और गियर लीवर्स, रिजिडनेस है इनमें काफ़ी। और यहाँ पे आप नीचे की साइड देखेंगे तो आपको साइड स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा विद इंजन कट ऑफ फंक्शन, जैसे कि अगर आपने गाड़ी चालू करी और फर्स्ट गियर में डाल दी और अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और आपको मेन स्टैंड भी मिलता है बाइक में, आजकल कुछ कंपनियाँ ये स्किप करती जा रही, बट यामा ने अच्छा करा कि इसे स्किप नहीं करा। तो अब अगर रियर व्यू मिरर्स वगैरह की बात करें तो काफ़ी एक डिसेंट व्यू आपको दे देते हैं, रियर का काफ़ी अच्छा दे जाता है। क्लच को लाइट रखा गया है, यहाँ पे आपको पास का स्विच मिलता है, उसी के इस साइड थोड़ा सा आपको हाई बीम और लो बीम का स्विच देखने को मिलता है, ये LED की DRLs का है, और इस साइड आपको लाइट्स का हाई बीम और लो बीम देखने को मिलता है। नीचे की साइड आपको इंडिकेटर स्विच और ये गाड़ी का हॉर्न है। इसमें आपको हैंडल बार्स देखने को मिलते हैं और वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है गाड़ी का, और उसी के नीचे इंजन स्टार्टर बटन जो कि हमारा सेल्फ का बटन होता है। अब अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ तो ये हमें नेगेटिव देखने को मिल जाता है, नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इसमें हमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती है जैसे कि आपको टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर्स वगैरह। और बस इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि है गियर पोजीशन इंडिकेटर, वो मिल जाता तो काफ़ी अच्छा होता। यामा की ब्रांडिंग और ऊपर टेलटेल लाइट्स वगैरह आपको मिल जाती है, ABS की लाइट वगैरह मिल जाती है। नेगेटिव यूनिट ये है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, तो इससे आप कुछ भी चीज़ चलते चलते चार्ज कर सकते हैं, काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी कन्वीनियंट फीचर दिया है ये यामा ने आपको। चलिए जल्दी से मैं आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। बस दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको ये बाइक कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमें चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई पोस्ट डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।